देश में वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वालों की दुकान बंद होने का खतरा मंडराने लगा है, इसीलिए उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर जो सियासी पासा फेंका है उसने सबकी नींद उड़ा कर रख दी है। लेकिन वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर इतना ज़्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही है और किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो हम आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। वक्फ बोर्ड में बदलाव से क्यों बौखलाई मौलाना गैंग? वक्फ बोर्ड में बदलाव से किसको होगा ज्यादा नुकसान? केंद्र सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग 40 संशोधनों के साथ नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में पेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बाजार गर्म हो गया है। 2 अगस्त को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधन किए और उसे मंजूरी दे दी गई है। वक्फ एक्ट में जो बदलाव करने का प्रस्ताव है अगर वो लागू हो जाता है तो वक्फ बोर्ड का स्वरूप और उसके अधिकारों पर काफी प्रभाव पड़ेगा और उसकी शक्तियां काफी सीमित हो जाएंगी। इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगा सकेगी और अधिकारों को भी कम किया जा सकेगा। देश भर में वक्फ की 8,70,000 से ज्यादा की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में कुल मिलाकर करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव केंद्र सरकार कर सकती है और क्यों इसकी वजह से मौलाना गैंग बौखलाई हुई है। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्तियों के नए सिरे से सत्यापन हो सकेंगे। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर या तो वक्फ बोर्ड ने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने अपने दावे किए हो। वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्तियों पर जो भी दावा करता है उसका अनिवार्य सत्यापन होगा। सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाया जा सकता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव के तहत महिलाओं को भी हर इकाई का सदस्य बनना शामिल किया जा सकता है, जिसकी वजह से मौलाना गैंग को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है कि अब महिलाएं भी उनके बराबर आकर बैठेंगी और धर्म के ठेकेदारों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैबिनेट ने वक्फ में 40 संशोधनों पर मोहर लगाई है। वक्फ एक्ट पहली बार 1954 में संसद में लाया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था और 1995 में नया वक्फ एक्ट आया। ऐसे वक्फ बोर्ड्स को और ज्यादा ताकतें मिल गई थी। कोई संपत्ति वक्फ की हो या नहीं ये पता लगाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों के न्यायिक जांच शामिल होगी। इसके अलावा संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टरों के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी प्रावधान होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हर वक्फ बोर्ड के सदस्यों में 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार कानून को नया नाम देने की तैयारी कर रही है, जिसका अर्थ उम्मीद से मिलता जुलता होगा। कानून में बदलाव से क्या होगा? क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सके। नए बिल में ये प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्र परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्य नहीं है। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक नहीं है। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और या किसी व्यक्ति ने दावे प्रतिदावे किए हैं। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन जरूरी होगा। वक्फ एक्ट की धारा 1914 में बदलाव होगा। इसे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अब अपील की जा सकती है। ये प्रावधान अब तक नहीं था।
वक्फ बोर्ड को कब ज्यादा अधिकार मिले। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाया और वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दिए थे। वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक धार्मिक बॉडी को असीमित शक्तियां प्रदान की गई है, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। देश में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी शक्तियां नहीं है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्यों लगता है कि जमीन उनके स्वामित्व में आती है। अभी बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। तर्क दिया जाता है कि यह संपत्ति किसी जरूरतमंद मुस्लिम भलाई के लिए होगी। हालांकि देखा गया है कि प्रभावशाली लोग इन संपत्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई संपत्तियों को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित करने का विवाद भी सामने आया। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। ये अधिनियम औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ये वकीफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को औकाफ कहते हैं। वक्फ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धारक के रूप में मान्यता प्राप्त उपदेशों के लिए संपत्ति समर्पित करता है। क्या गड़बड़ियां सामने आ रही हैं? सरकार को पता चला है कि राज्य वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकार मिले हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी हो रही है। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया है। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। अगर बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक वक्फ प्रॉपर्टी की ना तो राज्य, ना केंद्र सरकार, ना अदालत जांच कर पाती है। मांग उठाई गई है कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जो रेवेन्यू की जांच करे, वक्फ में ट्रांसपेरेंसी हो, वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ मुस्लिमों के भले के लिए होनी चाहिए। आम मुस्लिम कह रहा है कि एक तरफ से एक माफिया वक्फ बोर्ड को कैप्चर कर चुका है। यदि किसी महिला को तलाक दे दिया और उसके बच्चे हैं तो तलाकशुदा महिला के पास अपने बच्चे को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले संशोधनों के कारण वक्फ बोर्ड भू माफिया की तरह व्यवहार कर रहा है और संपत्ति हड़प रहा है। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक और मंदिर की जमीन से लेकर गुरुद्वारों तक की जमीन पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई विवादों में है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति? मूल रूप से वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4,00,000 एकड़ तक की 3,00,000 रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। आज की तारीख में 8,00,000 एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्ति है। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। चल संपत्ति 16,713 है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती है और इसका विवरण वक्फ असिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा लगभग 3,29,995 वक्फ संपत्तियों का ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग भी की गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 5,386 संपत्ति है। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति की जाती है, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। राजनीतिक नेताओं का बयान। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध किया है।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को बहुत कुछ दिया, अब चुप क्यों है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस पर चुप क्यों हैं? एनडीए उपचुनाव में हारने जा रहा है तो ये मुद्दा उठा दिया गया। हर चीज में जात पात हिंदू मुसलमान की मानसिकता दिख रही है। जो सेकुलर पार्टियां एनडीए सरकार को सपोर्ट कर रही हैं वो चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया है, वो अब खामोश क्यों हैं? जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बिलियावी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही क्या धार्मिक मठों को लेकर भी केंद्र सरकार कोई बिल लाएगी? उसे मठ की जमीन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति केंद्र और राज्य सरकारें वापस कर दे। इन्हें सरकारें अगर अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे तो अल्पसंख्यकों में जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसे खत्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र सरकार का कब्जा है। जेडीयू के एक और मुस्लिम नेता एमएलसी गुलाम घोष ने कहा कि केंद्र सरकार को वक्फ से संबंधित प्रस्तावित संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले मुस्लिमों के बीच इस पर चर्चा करनी चाहिए। वक्फ की संपत्ति अंग्रेजों या किसी सरकार द्वारा दिया गया दान या खैरात नहीं है। देश में वक्फ के तहत 870,000 संपत्तियां हैं, 940,000 एकड़ भूमि है। इसे मुस्लिम समाज के लोगों ने समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के विकास के लिए दिया गया था। हमारे स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।